मेरा नाम है जिशांत सलीम और आप देख रहे हैं ज़ेड्स वर्ल्ड, मतलब परिंदों की दुनिया। आज मैं आपको अपने भाइयों को और पापा ने जो शौक रखा है मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पापा और भाई हैं, आप देख सकते हैं। ये पीछे खुडा जो सा ये जोड़ा खुडा है, इसमें से मैं आपको शौक करवाता हूँ। कहता हूँ कि बच्चे काफ़ी निकाले हैं जोड़ों ने, आगे खुदा ने चाहा तो शौक दे देंगे। आज ये भी एक जोड़ा भाई सियालकोट से लाया है। ये देखे, इसने फिर से अंडे उतारे हैं। ये है और ये देखे बच्चा। आपको बताया कि बारिशों की वजह से बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, ये इसकी आंख खराब हुई है। आप देख सकते हैं आंखें इस तरह से बच्चे खराब हो जाते हैं, पानी भर आता है। मैं आपको मुकम्मल इलाज इसका बताऊँगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। ये देखें, ये सीलिंग वाले काम पर लगे थे तो पापा ने इस तरह से उनके खुडे बनवा लिए। वैसे अच्छा काफ़ी जोड़ों के लिए अब अंडे उतारना आसान हो जाएंगे। ये देखें, ये अंडे अभी भी काफ़ी उन्हें उतारे हैं, वो ऊपर भी उतारे हैं। ये बच्चे भी निकाल रहे हैं इन्होंने, ये देख सकते हैं। ये देखें, ये जब ये दीवार के अंदर भी खुडे बनाए हैं ताकि जगह ज़्यादा ज़्यादा ना हो। ये बच्चे तारे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा जोड़ों का खुडा था। ये गोलू भाई हैं, ये हमारे साथ ही होते हैं यहाँ पे। ये मेरा कज़न है साथ में, आपको इसके साथ अभी वो दिखाता हूँ, क्या नाम है, ऊपर आपको खुडा दिखाता हूँ जहाँ पे हमने उड़ाने के कबूतर रखे हैं और जानवरों की पिटाई की है, वो भी आपको दिखाता हूँ। चले दोस्तों, मैं आपको अपने उड़ाने वाले कबूतर दिखाता हूँ जो उनसे हमने पिटाई की है आगे बरसात उड़ाने के लिए, वो भी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारे उड़ा रहे हैं जो उनसे कबूतर, इस टाइम वो वाला खुडा है और जिस खुडे में हमने पिटाई की है कबूतरों की, जो उनसे हमने सीजन उड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारे जो उनसे पटाई की है कबूतर वो हैं, इनमें से दो तीन का मैं आपको शो करवाता हूँ। ये दोस्तों पेंडू कबूतर है, ये हमारा एक एक बजे तक उड़ता रहा है। वैसे साधा ही हम साधा ही, वैसे वैसे नुस्खा लगाने का कोई शौक नहीं है। नुस्खा वो लगाते हैं जिनके खुडे में जानवर अच्छा ना हो, जो सिर्फ टाइम अच्छा लगाने के लिए जानवर को नुस्खा लगाते हैं। लेटा है लाल आपको, लेटा डी है और पूरी क्लास में। तो दोस्तों ये कबूतर बहुत है जो उनसे हमने पटाई की, अभी तक उड़ा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो उनसे कबूतर हम भी जा रहे हैं। ये हमने उड़ाने के लिए रखे हैं, ये यहाँ से एक मौका सा रखा है ताकि कबूतर यहाँ से ऊपर जा सके जाल के अंदर और यहाँ से वापस अंदर आ सके। कबूतर सारे जाल के बीच हैं इस टाइम, अंदर कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताने लगा था कि जैसे कि ऐसे बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं और उनको नज़र सही नहीं आता, इसलिए वो बाहर भी गिर जाते हैं। तो उनका मुकम्मल इलाज ये है कि प्लाजो गोली जो उनकी होती है वो 250 mm की भी होती है, 500 की भी होती है, वो आपको मिल जाएगी किसी मेडिकल स्टोर से। वो आपने लेके आनी है और इनको चौथाई हिस्सा देना है, और अगर प्लाजो गोली नहीं तो 5 नंबर दारू भी परफेक्ट है, वो दे सकते हैं। तो ये मेरे वैसे मुर्गा खुडा है, ये मेरी मुर्गी ने कुड़कुम मला है, लेकिन मैंने अभी इसको कुड़कुआ नहीं बिठाना क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। इसको मैं उठा दूँगा, नहला दूँगा ताकि ये कुड़कु तोड़ दे। आगे एक ये खुडा है जिसमें मैं चूचे उतारता हूँ, और ये हमारी मुकम्मल छत आपको दिखाई देगी, बाहर से ही दिखाई देगी, हुनाबाद से भी दिखाई देगी। ये बरकत चैनल के पास हमारा घर है। तो दोस्तों ये हमारा घर है, आप देख सकते हैं। मैं आज मेरे पापा टाइम से काम करते हैं, पापा छठी कार में भी कुछ देर करता रहा हूँ, आप देख सकते हैं सही टाइम लगाने मेरे पापा ने कितने टाइम तो हमारी छत की है वो तीन से कितना जहाँ से जाने जाती है, आप देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।